सलाम। सर आपने जो अपनी मिलकियत नहीं में नहीं है जब तक आप कुछ चीज़ नहीं बेच सकते, इसके तरफ से सवाल था कि आमतौर पे हम लोग जैसे कारोबार वाले एक दूसरे से ताउन करते हैं, जैसे कि भाई मेरे पास कुछ माल नहीं है, या तो मैं यानी महंगा होने की वजह से उसको स्टॉक में नहीं रखता हूँ, मगर मेरे पास कभी ऑर्डर आता है तो मैं किसी से लेकर उसको बेच देता हूँ। और एक क्या वजह होती कभी कि भाई मेरा माल आज आने वाला है, जैसे शाम में आने वाला है, कल आने वाला है, उस दौरान मेरे पास कोई कस्टमर आ जाता है तो मैं किसी अपने भाई से मंगा कर उसको दे देता हूँ, जब मेरा माल आता है तो मैं उसको वापस कर देता हूँ। तो ये हमारी आपस में डीलिंग चलती है, यानी वो या तो कभी ऐसा कर देते हैं या कभी उससे लेते हैं और उसको पैसे होलसेल के रेट के हिसाब से दे देते हैं, अपने रिटेल में उसको बेच लेते हैं, तो क्या ये जायज़ है? जज़ाकुल्लाह खैर, बैठिए। इसी की तरफ इशारा करते हुए मैंने सुबह के दर्स में कहा था कि इसकी दो शक्लें हैं। पहली शक्ल ये है कि आप उसकी दुकान से लाते हैं, मांग कर लाते हैं, तो मांग कर लाने वाला शख्स उस पर कारोबार नहीं कर सकता है। इसी को इस्तियारा कहते हैं अरबी में। किसी से मांग कर लाएं तो फ़ायदा उठाने का इख्तियार है, पर बेचने का इख्तियार नहीं होता। इस्तियारा वयमनउन अलमाउन कुरान का, कि वो चीज़ें जो आम इस्तेमाल की हैं आदमी मना ना करे। अगर कोई मांगता है तो आप उसे दे दें ताकि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, आम इस्तेमाल की चीज़ें, इसको इस्तियारा कहते हैं। मांग कर लाने वाली चीज़ों पर बेचने का और उजरत पर देने का इख्तियार उस शख्स को नहीं होता, मालिक को सिर्फ है। उसका मालिक वो है जिसकी दुकान में वो सामान है। इसलिए एक पहली शक्ल ये हुई कि अगर उसे हम बेचना चाहते हैं और वो बेचने ही के लिए रखा हुआ है, तो हम जिस रेट पर वो बेचना चाहता है उस रेट पर बेच दें, वो दुकान वाला जिस रेट पर बेचना चाहता है उस रेट पर बेच दें और अपना जो कमीशन है वो कमीशन उससे ले लें। किसकी तरफ से बेचेंगे? अगर वो इजाज़त देता, भाई आपके पास आता ग्राहक, आप हमारा सामान बेच दो, कोई बात नहीं, हम आपका बेच देंगे, इसको वकील कहते हैं। बहैसियत वकील के हम दूसरे के सामान को बेच सकते हैं अगर इजाज़त दी गई है। वो हमारा सामान नहीं होगा, वो दूसरे का होगा, जो रेट मिलेगा उसे हम दे देंगे और आपस में अपनी मजदूरी तय कर लें कि भाई आपका सामान इतने में बिका है, और दोनों क्या तय करते हैं, एक सामान बेचोगे तो आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, इतना आपको हम दे देंगे, तो उतना वो उससे वसूल कर ले। एक शक्ल तो ये है। दूसरी शक्ल ये है कि वो उससे ख़रीद ले, अपने उस पड़ोसी से उसको ख़रीद ले, पैसे जब भी दे, उधार भी ख़रीद सकता है, नकद भी ख़रीद सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त वो पैसे ही दे, जैसा दोनों के दरमियान इत्तेफाक़ हो जाए उस एतबार से उसे वो ख़रीद करके मालिक बन जाए और उसे बेच दे। अब जो बेचेगा और पैसे आएंगे उसका मालिक वो ख़ुद होगा, और जितने में इसने ख़रीदा है उसमें से उतना पैसा उसको दे देगा जिससे उसने ख़रीदा था। ये दो शक्लें हैं उसके जायज़ होने की। बाकी आप जो शक्ल जिक्र कर रहे हैं वो आरियत वाली शक्ल है, उसको बेच नहीं सकते हैं किसी भी हाल में। ऐसे सामान पर इख्तियार सिर्फ फ़ायदा उठाने का हमको है, पर उसे सेल करने का इख्तियार या उसे उजरत पर देने का इख्तियार, मजदूरी पर देने का इख्तियार, किराए पर देने का इख्तियार हमें इनकतान नहीं है जी।